बस एक लास्ट थोड़ा सा हमारे जो थोड़ी सी आजकल बहुत ही ज़्यादा हुए नफ्सानफसी का दौर है, और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुआ है डिफरेंट रीजंस की वजह से, बट हमें और सबसे बड़ा जो हमारे अंदर मसला है, मैंने जो नोट किया है, हम समझ रहे हैं कि शायद हमारे पास बहुत वक्त है, हम एक मफरूजे में हैं, यानी कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी तक 50-60-70 साल की उम्र, इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो हम ये समझ रहे हैं कि आज की नस्ल भी खुदा ना खास्ता या बहुत जो लोग हैं वो यही समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। इस पर थोड़ी सी रोशनी लास्ट में डालते हैं। हाँ, ये अलग एक काफ़ी लंबा टॉपिक है। आप लोग सोशल मीडिया पे जब देखेंगे हमारे पेजेस वगैरह अगर नहीं देखे आप लोग ने, तो आपको उससे रियलाइज़ होगा कि हमारी एक रिसर्च है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ इनिशियल इंटरेक्शन थी, हम उस पर भी नहीं गए। वो ये है कि कुछ एक हदीस डिस्कवर, मतलब वैसे तो सब लोग पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ाते हैं, सब कुछ मेरी नज़र से गुजरी आज से 3-4 साल पहले, और उस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो टाइम है ना दुनिया का, वो भी बताया कि कितना रहता है, टाइम बताया। और उस हदीस का मफहूम यह है कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत तो ज़रूर देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आधे से दिन से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। और ये कुरान में भी जिक्र है कि अल्लाह के यहाँ जो एक दिन है वो हमारे 1000 साल के बराबर होता है। आधे दिन की मोहलत तो देगा। तो इसमें जो हदीस के मुफस्सरीन हैं, ख़ासकर अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े हदीस के आलम गुजरे, उन्होंने लिखा है कि ये जो 500 साल की मोहलत है, इससे मुराद ये है। उन्होंने और हदीस से भी उसको स्टडी करके, रिसर्च करके उसका एक रिज़ल्ट निकाला कि इससे मुराद ये है कि एक दिन के बाद आधे दिन की मोहलत, यानी डेढ़ दिन, यानी मुसलमानों की उम्र कितनी होनी है अल्लाह के यहाँ? डेढ़ दिन। तो दुनिया में कितने साल बनेंगे? हाँ, एक दिन हो गया 1000 साल, और डेढ़ दिन कितना हो गया? 1500 साल। और अभी कौन सा ईयर जा रहा है इस्लामिक? 1444 1444। तो 1500 साल में ये उम्मत ख़त्म हो जानी है। और ये उम्मत क्या है? इसके बाद कोई उम्मत है? आखिरी उम्मत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस हदीस से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस दुनिया की बिसात लपेटे जाने में कितना वक्त रह गया? मैक्सिमम कितने रह गए? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी हुए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को बताया था ना, कैसे पूरा हुआ? जिसके कोई चांस नहीं थे वो विद इन 2 डेकेड्स पूरा हो गया। और अब आपको सब नॉर्मल लग रहा है, टेक्नोलॉजी का बूम है, दुनिया सब नॉर्मल चल रही है, वही सब अच्छा है, चल रहा है, सूरज तुलू होता है, शाम को ग़ुरूब हो जाता है, सारे दुनिया के निज़ाम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन ये हदीस चीख चीख कर बता रही है, बिल्कुल ऐलान कर रही है कि हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया। ये बिल्कुल ये मैं अपर लिमिट है 54 ईयर्स, 56 ईयर्स। हाँ, तो हदीस शरीफ में आता है कि जब क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होने लगेंगी तो वो ऐसे ज़ाहिर होंगी कि जैसे किसी हार या तस्बीह का धागा टूट जाए, तो एक दूसरे के कभी गर्ल्स को पता होगा, वो कभी हार टूट जाता है तो वो फिर एक दाना नहीं गिरता, ऐसे एकदम सब गिर जाते। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं होना इन सारी चीज़ों में। इसका मतलब है कि इन्हीं 40-50 सालों के अंदर इमाम मादी ने भी आना है, दज्जाल का भी खुरूज होना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आसमान से तशरीफ़ लाने है, और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम भी कायम होना है, और फिर पूरी दुनिया में फिर यजूज मजूज ने भी आना है, ये सारे मामलात होने हैं। और ये और वो जैसे तस्बीह के दानों वाली बात है ना, और ये कोई इसके लिए लंबा टाइम नहीं चाहिए। इमाम मेहदी का दौर कितना है? 7 साल का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ रवायात के मुताबिक 40, कुछ रवायात के मुताबिक 7, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक 7 साल बनता है उसका, अगर आप रिज़ल्ट निकालें तो 7 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, 7 साल इमाम मेहदी के, दज्जाल के 40 दिन हैं, यानी 14 साल टोटल चाहिए, और यजूज मजूज के भी चंद दिन हैं।
वो कोई महीने साल नहीं है, तो यानी उसके लिए तो कोई लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, पहले ये होगा वो होगा वो होगा। और वर्ल्ड वॉर थ्री या आर्मेगेडन होनी है, आर्मेगेडन, उसके लिए भी चंद माह की ज़रूरत है, गज़वा हिंद के लिए भी चंद माह की ज़रूरत है। यानी ये सारे मामला 14 से 20 साल में हो सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये तो बहुत काफ़ी टाइम है।